हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी स्टार्ट थर्ड चैप्टर ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मिडनाइट विजिटर, रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर. वॉज अ राइटर ऑफ स्पेकुलेटिव फिक्शन नोन फॉर हिज वर्क विद द मिस्टीरियस ट्रेवलर रेडियो सीरीज एंड फॉर राइटिंग द थ्री इन्वेस्टिगेटर्स, अ सीरीज ऑफ यंग एडल्ट नॉवल्स. आर्थर वॉज ऑनर्ड ट्वाइस by the Mystery Written Writers of America with an Edgar Award for Best Radio Drama. He also wrote scripts for television, such as The Twilight Zone and many more. जो रॉबर्ट आर्थर था बेटा, ये अपनी मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए फेमस था और इसको अवार्ड्स भी दिए गए थे. और ये जो चैप्टर है, द मिडनाइट विजिटर, this is a story about a secret agent, Ozebel, who had spent an evening with a writer named Fowler, who had expected that as he would be meeting a secret agent, he would be looking into a lot of adventure. But instead, he rather got bored when he met Ozebel, as the things that happened were exactly the opposite of what he had imagined. जब वो उससे मिला तो चीज़ें बिल्कुल अपोजिट हुई. इसके अंदर बेटा तीन कैरेक्टर्स हैं, ऑजेबल जो एक सीक्रेट एजेंट है, मैक्स ये भी एक सीक्रेट एजेंट है, फॉलर ये एक राइटर है. ऑजेबल A secret agent is expecting to get a very important report. वो expect कर रहा है उसको जल्दी कुछ important documents मिलने वाले हैं. और एक दूसरा secret agent जो है वो पहुँच जाता है वहाँ पर. Max threatens him with a pistol. As you can see in this picture that this one, जो ये fat सा आपको दिख रहा है, ये है Ozebel. ऑजेबल. और ये जो आपको इधर दिख रहा है, जो इसके साथ है ऑजेबल को के साथ, ये है फॉलर. और जो पिस्टल लेकर ये दूसरा इंसान इसके रूम में एंट्री की है बेटा, ये है मैक्स. और क्योंकि ऑजेबल को कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले थे, तो मैक्स उन डॉक्यूमेंट्स के लिए इसके रूम में पहले से ही विदाउट परमिशन ही एंटर्ड इन द रूम टू गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स. वो पहले ही वहां पहुंच चुका था. अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट. और वो उसे डिमांड कर रहा है कि वो रिपोर्ट उसके हवाले कर दे. डज ऑजेबल आउटविट हिम. आउटविट मीन्स टू डिसीव. क्या उसको धोखा देने में, उससे अपनी जान बचाने में वो कामयाब होता है? लेट्स सी. Ozebel did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Fowler जो writer है, उसने अब तक जितना पढ़ा है अपनी knowledge के basis पर, वो कह सकता है कि Ozebel एक secret agent की description को बिल्कुल match नहीं कर रहा है. क्योंकि एक secret agent, जैसे हम doctor के बारे में सोचते हैं तो doctor के लिए हम white coat और वो stethoscope जो है वो गले में होगा, ऐसा कुछ हम imagine करते हैं. लेकिन जो ऑजेबल है वो सीक्रेट एजेंट बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसा आपने अभी देखा पिक्चर में कि बिल्कुल फैट है. तो एक सीक्रेट एजेंट को तो स्लिम ट्रिम और एनर्जेटिक होना चाहिए. तो इसका ये थोड़ा सा बोरिंग सा लगा फॉलर को. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजेबल हैड अ रूम. मीन्स जब फॉलर ने उससे अपॉइंटमेंट ली मिलने की, तो ऑजेबल उसको अपने साथ रूम पर लेकर गया. और ऑजेबल और फॉलर दोनों जा रहे हैं फ्रेंच होटल में जहाँ इसका रूम था. और जो मस्टी, मस्टी मीन्स ऑफ बैड स्मेल और टेस्ट, मीन्स वहाँ पर स्मेल आ रही थी उस कॉरिडोर में, जिस तरह से नमी की स्मेल आती है कि वहाँ कोई लाइट सनरेज नहीं पहुँच रही हो जिस एरिया में, थोड़ी हल्की सी स्मेल आती है. तो वैसे ही उस कॉरिडोर से वो नमी की स्मेल आ रही थी. ग्लूमी मीन्स डार्क, बिल्कुल अंधेरी से ही वो कॉरिडोर था, उसमें से गुजरते हुए दोनों जा रहे हैं रूम में. फॉलर फेल्ट लेट डाउन. फॉलर जो है वो
लेट डाउन फील कर रहा था, मींस वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था. इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर, और जो ऑजेबल का रूम था वो फ्रेंच होटल के सिक्स्थ फ्लोर पर, टॉप फ्लोर थी जो उस होटल की, वहाँ पर वो एक रूम में रहता था. एंड स्कार्सली अ सिटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और वो जगह बिल्कुल भी, स्कार्सली मीन्स हार्डली, वो मुश्किल से ही एक एडवेंचरस किसी एक सेटिंग को डिजर्व कर रहा हो. वहाँ कोई ऐसा फील ही नहीं हो रहा था फॉलर को कि यहाँ कुछ एडवेंचरस होने वाला है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था. ऑजेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, बहुत मोटा था. सिर्फ एक ही चीज़ थी उसके अंदर, एक ही क्वालिटी उसको दिख रही थी कि वो सिर्फ मोटा था और कुछ नहीं. एंड देन देयर वॉज हिज असेंट. असेंट होता है बेटा वे ऑफ टॉकिंग, टोन ऑफ वॉइस, बोलने का तरीका. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली, पासिबली मीन्स ठीक, टॉलरेबली वेल मीन्स ठीक ठाक ढंग से बोल लेता था वो. जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज दोनों आती थी उसको. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन असेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो. बेटा जो ऑजेबल था वो, ये है बोस्टन, अमेरिका का एक शहर है, और ये है पेरिस. जब वो अमेरिका के बोस्टन से पेरिस आया तो यहाँ का जो अमेरिकन असेंट था, वो जो लहजा था बोलने का तरीका, तो वो उसको यहाँ पर भी फॉलो कर रहा था. वो उसके बोलने के तरीके में वो दिखता था साफ. एंड देन ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन असेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो. वो 20 ईयर्स जो है पहले, जब वो पेरिस से बोस्ट यहाँ आया, बोस्टन से पेरिस आया, तो वो टोन उसकी लैंग्वेज में दिखता था. यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजेबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर. विजली होता है बेटा, वो एक मोटा सा आदमी था, तो उसकी चेस्ट से वो आवाज़ गूंजती हुई निकली, और उसने जो है फॉलर से पूछा, ओ आई थिंक यू आर डिसअपॉइंटेड आफ्टर मीटिंग मी. अब फॉलर का जवाब आया, ओ यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई, डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर. यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक. अब वो कह रहा है कि तुमने तो, तुम ये सोच रहे होगे मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, एक जासूस हूँ, डीलिंग इन एस्पियोनेज. एस्पियोनेज होता है बेटा प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग और यूजिंग स्पाइस, मीन्स जासूसी करना, जासूसों का योग कर, उनका यूज करना, मीन्स ऐसा कुछ काम करते हो, तो तुमने मुझे जो है ऐसा तुम सोच रहे होगे मैंने तुम्हें ये चीजें बताई थी. एंड डेंजर, यू विश टू मीट मी, और तुम मुझसे मिलना भी इसीलिए चाहते थे बिकॉज यू आर ए राइटर, यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट सीक्रेट एजेंट, यंग एंड रोमेंटिक. तुम यंग हो, रोमेंटिक हो, एंड यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट मी. यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट. एनविजन्ड मीन्स आपने जो है एक कल्पना की है, कुछ आपने सोचा है, एक मिस्टीरियस रहस्यमयी फिगर जो है आपने अपनी कल्पनाओं में एक सीक्रेट एजेंट को लेकर जो है सोचा होगा. मेरे लिए द क्रैक ऑफ पिस्टल, कि जब तुम मुझसे मिलोगे तो पिस्टल्स की आवाज़ें आएंगी, कुछ धूम धड़ाका होने वाला है, ड्रग इन वाइन, और कुछ कोई वाइन में ड्रग मिला रहा है. मीन्स बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें जो हैं तुमने इमेजिन की होंगी कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, तो मैं ये चीज़ें मेरे साथ हो रही होंगी, तो तुम भी इन चीज़ों के एक विटनेस बनोगे. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो आई थिंक यू आर अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड. तो ऑजेबल जो है वो समझ चुका है कि ये फॉलर जो है वो सेटिस्फाई नहीं है मुझसे मिलने के बाद. इंस्टेड यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लूपी फैट मैन. इन सब की बजाय कि पिस्टल्स वगैरह या वाइन वगैरह ऐसा कुछ होगा, इन सब की बजाय तुम एक
फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, एक फ्रेंच होटल में, एक स्लूपी फैट मैन के साथ, एक स्लूपी मीन्स अनसिस्टमैटिक, एक अव्यवस्थित सा एक मोटा ताज़ा आदमी है, उसके साथ तुम रह रहे हो, उसके साथ इवनिंग स्पेंड कर रहे हो, हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज। जैसे सीक्रेट एजेंट्स की लाइफ में होता है कि कोई ब्यूटीफुल लेडी, वो जो है अपने फुल मेकअप के साथ जो आती है और कोई सीक्रेट सा कोई मैसेज हाथ में पकड़ा के चली जाती है, तो ऐसा कुछ तुम इमेजिन कर रहे हो कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा कि कोई लेडी आएगी एक ब्यूटीफुल डार्क आइज वाली और मुझे कोई सीक्रेट सा मैसेज देगी, मेरे हाथों में देगी। गेट्स ओनली अ प्रोसिक टेलीफोन कॉल, लेकिन इन सब की बजाय जो है मुझे प्रोसिक होता है बड़ा सिंपल सा, मीन्स कोई ज़्यादा ऐसे कुछ ऑर्डनरी से जो कॉल मुझे आ रहे हैं, सिंपल से मुझे कॉल्स आ रही हैं, कोई मिस्टीरियस चीज़ें तुम नहीं मेरे साथ देख रहे हो। प्रोसेक टेलीफोन कॉल मीन्स ऑर्डनरी कॉल मुझे मिल रही हैं, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, कि बस मुझसे मिलने के लिए कोई मेरी से अपॉइंटमेंट मांग रहा है, ऐसे ऐसे कुछ कॉल्स आ रही हैं। यू हैव बीन बोर्ड, द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, चकल मीन्स लाफ, वो हंस रहा है, ग्रिंड मीन्स वो समझ रहा है कि ये बोर हो गया है, तो थोड़ा सा वो हंसी के साथ। एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, और इन सब बातों के साथ वो कॉरिडोर को क्रॉस करते हुए अपने रूम के दरवाजे के सामने पहुंच गए हैं, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और अपने रूम के डोर को ओपन करके साइड हो जाता है ताकि वो जो उसका फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट कौन, फॉलर, जो वो राइटर था जो उसके साथ चल रहा था, जो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, डिसअपॉइंटेड हो चुका है उससे बिल्कुल, उसको जो है वो जगह दे सके, रास्ता दे सके कि वो भी उसके साथ रूम में एंटर कर सके। तो अब दोनों रूम के अंदर एंटर कर जाते हैं, जैसा कि आप अब पिक्चर में देख रहे हो। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑजेबल टोल्ड हिम, डिसइल्यूजन मीन्स सेट फ्री फ्रॉम फॉल्स बिलीफ, भ्रम टूटना मीन्स जो तुम्हारा भ्रम वगैरह जो है वो सब टूट जाएगा। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स, मीन्स तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो है जल्दी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। तुम थोड़ा सा जो डिसअपॉइंटेड हो रहे हो ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम डिसइल्यूजन मीन्स तुम्हारे निराशा तो हुई है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो, जल्दी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले हैं, तो कुछ एक्साइटमेंट वाली चीज़ें होने वाली हैं अभी, और वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसके लिए बहुत सारे जो हैं मैन और वेमेन अपनी लाइफ को भी खतरे में लगा सकते हैं। कम टू मी, एंटर इन द रूम, ये सारी बातें रूम में एंटर करते हुए वो कर रहे हैं। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, अब जो ऑजेबल है उन डॉक्यूमेंट्स की इम्पोर्टेंस को बता रहा है कि दीज जो वो डॉक्यूमेंट्स उसको मिलने वाले हैं वो हिस्ट्री को भी चेंज कर देंगे, मीन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मीन्स आने वाले टाइम में वो हिस्ट्री बनने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मुझे मिलने वाले हैं। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज द नॉट, तुम्हें ये सब ड्रामा लग रहा होगा बट ऐसा है नहीं, इज द नॉट, लेकिन ऐसा कुछ जो है नहीं। एज ही स्पोक ऑजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और ये सारी बातें करते हुए जो हैं वो रूम में एंटर उन्होंने कर लिया है, ऑजेबल ने दरवाज़ा बंद कर दिया, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, पिक्चर में आप देख रहे हो, और उसने जो है लाइट ऑन कर ली, एंड एज द लाइट केम ऑन फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और जो उसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल जो है उसके सामने था वो रोमांचक, जो एक जिस चीज़ की वो बात कर रहा था, एक ऑथेंटिक मीन्स रियल जेन्युइन, एक
थ्रिल मीन्स सेंसेशन, एकदम कुछ थ्रिलिंग सा, एक शॉकिंग सा इवेंट उसके सामने आता है. क्या है वो? फॉर हाफ वे क्रॉस द रूम, कि इस रूम को आधा क्रॉस करने के बाद कोई खड़ा था वहां पर, स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक ऑटोमेटिक एक पिस्टल लिए हुए एक आदमी खड़ा था. ऑजिबल ब्लिंक द फ्यू टाइम्स, अभी आप देखो कि दरवाजा ऑजिबल ने बाहर से खोला है. इट मीन्स दिस मैन हु वॉज इन द रूम ही एंटर्ड इन अ लॉक्ड डोर, लॉक्ड रूम, एक बंद रूम के अंदर उसने एंट्री की है. ऑजिबल ब्लिंक अ फ्यू टाइम्स, वो अपनी आंखें ब्लिंक करता है, क्लोज करता है, ओपन करता है, क्लोज ओपन करता है, इस तरह से. मैक्स ही विज्ड मीन्स ऑजिबल न्यू दैट मैन, वो जानता उसको और उससे आवाज उसके नाम से उसको बुलाता है. कॉल्ड हिम बाय हिज नेम, मैक्स ओ यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स एकदम से शॉक कर देना, कि तुमने तो मुझे शॉक कर दिया है. आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैं तो तुम्हें सोच रहा था कि तुम बर्लिन में हो, तुम यहाँ बोस्टन में क्या कर रहे हो, यहाँ पेरिस में. What are you doing here in my room? तुम इस फ्रेंच होटल के रूम में, मेरे रूम में, without my permission, what are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम तो बर्लिन में थे, तुम यहाँ कैसे पहुँचे?